इस वीडियो में हम देखते हैं कन्वर्जन सेंटीमीटर का मीटर में, कि कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जानते हैं बाई रूल्स कि 1 सेंटीमीटर, या पहले हम नॉर्मल ले लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हमने डिस्कस करा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। कि जब भी बड़ी क्वांटिटी को शॉर्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट कराया जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाइड होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो अब हमारा इजीली हो गया, 15 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है, 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/100, तो ये मीटर हो जाएगा। और जब दो डिजिट का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं और डेसिमल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और उसे ज़ीरो से क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। हमने क्या करा, बस इस जो नंबर दिया गया था इसमें हमने 100 से डिवाइड कर दिया और उसका आंसर हमने डेसिमल में निकाल दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखते हैं आंसर, 2 मीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज करना है इनको मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर मीटर वाला पार्ट तो हमारा चेंज नहीं होगा लेकिन सेंटीमीटर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था इसको पे सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2 मीटर हमारा एज इट इज़ रहेगा और 45 को हम कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग 100, 5/100 हो गया। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर, और ये बचा 2 मीटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.45 मीटर। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.45 मीटर, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 419, इसको सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। अब 419 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 419/100 कर देंगे, 100 मीटर, और इसका डिवाइड करना है हमें। अब डेसिमल का डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर देखेंगे, 419 लिखा है और 2 जीरो दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद, तो 19 और 1 के बाद यहाँ पर 4 और 1 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा आंसर किस तरह आएगा, 4.19 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस आपके थे, बहुत ही इजीली हमने इसे सॉल्व करा। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि ये रूल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर का, ठीक है, इससे ही हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सेकेंड वन में 2.15 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, और थर्ड वन 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।